हमारे यही चार बब्बू विधायक आ चुके हैं, बब्बू भैया ये ताली से स्वागत कीजिए। पूरा डूबा हुआ है, मस्त नजारा है। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार संशाधानी जलपुर पर। और दोस्तों आज देखे जैसे कि हम आए हुए हैं रनिंग करने, तो आज थोड़ा डिफरेंट जगह आए हैं। डेली तो हम ग्राउंड जाते थे, बट अभी ग्राउंड में भर गया पानी, तो इसलिए हम सोच रहे थे हमारे बगल में ही घर के पास में ही है ये रेलवे ट्रैक है, और ये वाला जो ट्रैक देख रहा है इटारसी की ओर जाता है। हम इसी ट्रैक से मतलब जो हाईवे तक आ गया, हाईवे भी है वो हाईवे तक जाता है, तो हम इस ट्रैक पे आगे तक जाएंगे, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, और वहाँ से वापस आएंगे। तो ऐसे अपनी दिन की शुरुआत है दोस्तों। तो अभी करेंगे रनिंग, क्या फिटनेस के लिए थोड़ा रनिंग ज़रूरी है, कि अपना थोड़ा पेट भी काफ़ी बाहर निकल गया है, उसको करना है अपन को अंदर, धीरे धीरे करना है, बट अपन को इतना कहीं ज़बरदस्ती नहीं करना है उसके साथ, आराम से करेंगे दोस्तों। और ये पूरा ट्रैक जाता है इटारसी की ओर, और ये वाला पीछे जो जाता है जबलपुर जाता। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा कुछ रास्ता है जिससे हम जिस पे हम करेंगे ट्रैकिंग। मस्त मस्त नज़ारा है, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, और साथ में ही इसका मतलब नज़ारा यहाँ का व्यू आप देखेंगे तो। और दोस्तों मुझे ट्रेन से बहुत मोहब्बत है, और ट्रेन मुझे बहुत प्यारी लगती है, मतलब ट्रेन को मतलब देखते रहो ना तो आपको बता भी नहीं सकता कि कितना अच्छा लगता है। रेलवे से तो मुझे बहुत, मैंने अपने जीवन का एक अच्छा खासा और एक अच्छा टाइम मैंने ट्रेन के साथ बताया है, तो मुझे काफ़ी लगाव है उसके साथ। आप सभी के प्यार से और आप सभी की मोहब्बत के साथ हमारे 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने इतना सपोर्ट किया, जबलपुर की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, पूरे इंडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है ना, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप ऐसा ही प्यार अपने भाई पर बनाते रहें, और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर, मैं सोचता हूँ कि इस महीने के लास्ट में 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, और हम आपको फिर मिलकर एक बहुत कुछ बड़ा अच्छा करने वाले हैं। जनाब आप जब यहाँ आते हैं ना, और ऐसी जगह पर आते हैं ना, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होती है, और चारों साइड थोड़े नज़रें को बना के रखना पड़ता है। और दोस्तों गर्मी के टाइम पर ना, यहाँ पर जैसे कि आम का पेड़ देख रहे हैं, तो इसमें आम आ जाते हैं। कई बार हम लोग यहाँ आए हैं आम तोड़ने, और यहाँ पर इमली होती है जैसे कि मीठी इमली, मैं भी आके आपको पेड़ दिखाऊंगा, इमली भी यहाँ पर ले आते हैं, जामुन यहाँ मिल जाती है, और खजूर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं जो कि यहाँ मिल जाते हैं, और मस्त गर्मी में आप यहाँ, हम लोग काफ़ी कई बार यहाँ पर आए हैं और आम तोड़ के ले गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं पास में, और आप ये व्यू देख सकते हैं यहाँ का, कितना शांति और पक्षियों की आवाज़। ये देखो मैं आपको इमली का, वो मीठी वाली इमली होती है, इंग्लिश इमली कह सकते हैं, अंग्रेजी इमली, उसका पेड़ दिखाता हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये है मीठी इमली का पेड़, और उसके जस्ट पीछे आम, और यहाँ रेलवे ट्रैक और ये रनिंग ट्रैक। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये इमली का पेड़ है, और ये देखो दोस्तों सूर्य। आप सब बोल रहा था ना कि यहाँ पर आप चलें तो आप थोड़ा निगरानी रखें और समझदारी का। देखो ये पड़ा हुआ है यहाँ पर स्नैक, मर गया है बटी। आ रही है ट्रेन, मस्त नजारा है भाई, ट्रेन की आवाज सुन के ही मजा आ जाता है। पोल पे जो नंबर लिखा है ना 982/31, ये पोल नंबर होता है, और कभी आपका ट्रेन में अगर कोई सामान अगर नीचे गिर जाए ना, तो अब ये उसके आसपास वाले ना पोल नंबर याद कर लें, और वो पोल नंबर आप ट्रैफिक पुलिस को अगर बताएंगे तो वो आपके सामान को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों तो अभी हम जा रहे हैं तिलवारा घाट, नर्मदा नदी, थोड़ा नहा लेते हैं, आज शुभ दिन अच्छा दिन है, और इसीलिए हम जा रहे हैं, तो स्नान करके आएंगे आज फाइनली। चलो दिखाते हैं आपको, नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। ये है नर्मदा नदी, और गाड़ी आड़ी भी धो ली है भैया हम लोगों ने तो, लेकिन अभी नदी में आई हुई है थोड़ा बाढ़, बरगी डैम के गेट खुले हुए हैं। ये देखो तिलवारा ब्रिज जो कि पूरा डूबा हुआ है, मस्त नज़ारा है। Yeah!
दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ नहा के हम लोगों को। आप देख रहे हैं खाली यहाँ पर नहा रहे हैं हम और कार्तिक के साथ। ये देखो नजारा यहाँ, ओहो आनंद ही आनंद है यार। ये रास्ता देखिए दोस्तों कितना प्यारा है। दोस्तों हम लोग गमले के लिए ले जा रहे हैं अपने पौधों के लिए मिट्टी, तो यहाँ से ये वाली मिट्टी भर ली है, बोरियां पूरी मिट्टी है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप मून, चांद भी दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों देखिए अभी हम लोग बैठे हैं इधर, अनिकेत जी के साथ है, नेता जी हैं आम आदमी पार्टी के, और अभी चाय पीते हैं हम लोग फिर चलते हैं घर। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, आपके शहर का बच्चा है ये छोटा वाला भाई समझ के आप सपोर्ट करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मित्रों। नमस्कार साथियों, ये हमारे गन्नू भाई हैं जो कि गुलौआ चौक में आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस टी स्टॉल है, और ये हम खड़े हुए हैं गुलौआ जहाँ की बना हुआ था लाल किला। और अभी देखिए रात के बज रहे हैं 6:30 और सॉरी दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं, उस प्रकार का नज़ारा है। और यहाँ से आप सीधे चले आएँ कचकरा वे से, और सीधे जाकर राइट चले आएँगे तो आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस मिल जाएगा। और देखिए ये सब दुकानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये सब भीड़ भाड़ आप देखेंगे कितना सारा लगा हुआ है। बहुत मेहनत स्ट्रगल करके चाय की दुकान चालू की थी, और अभी अच्छा चल रहा है। पहले ये भाई मेरा कृषि उपज मंडी में कैंटीन थी वहाँ काम करता था, और फिर अभी चाय की दुकान खोला है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। आप देख लें कितना सारी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। और ये हमारे बैठे हैं अंकित गोस्वामी जी। दोस्तों अभी हमारे बीच आ गए हमारे बब्बू भैया विधायक जी, पूर्व और क्षेत्र के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बब्बू भैया, और अभी यहाँ चाय पीते हुए, और हम लोग को आज चाय पिलाएंगे दोस्तों। और चाय पिलाने की खुशी देखिए प्रमोद जी दौड़े चले आए और लाइन पे लग गए हैं। हमारे बब्बू विधायक आ चुके हैं, बब्बू भैया ये ताली स्वागत कीजिए। ताली बजा रहे, जैसे कि देखे हमारे बब्बू भैया की खुशी, इधर देखो बब्बू भैया ये देखे कितना खुश हो गए इनका नाम मिला एक बार तो ये लहर देखो आप शहर में हमारे।